तफ्तीश में अब खबर सेक्स रैकेट के खुलासे की, जहां ग्वालियर पुलिस ने शहर के बीचों बीच चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। देह व्यापार का यह धंधा ब्यूटी पार्लर की आड़ में चलाया जा रहा था और इस सेक्स रैकेट को चलाने के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला ने अपना चेहरा भले ही सफेद नकाब से ढक रखा हो, लेकिन इसके काले कारनामे अब पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुके हैं। पुलिस ने इस महिला को ग्वालियर में सेक्स रैकेट चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस, ये महिला ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देने की आड़ में ये धंधा चला रही थी और इसमें इसका साथ दे रहे थे ये तीन दलाल। यह रैकेट शहर में काफी टाइम सक्रिय है और ऐसी कमजोर भोज भाई महिलाओं को, जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, जिनको पैसों की आवश्यकता होती है, उसको भला फुसला करके ये इस रैकेट में धकेलते हैं और जो भी पैसा मिलता है उसका बहुत छोटा भाग उस महिला को देते हैं, शेष पूरा ये लोग रख जाते हैं। इनकी कमाई का धंधा ये सी है। दरअसल ये शातिर महिला इलाके की भोली भाली और आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाती थी, उन्हें आसानी से पैसा बनाने का झांसा देकर देह व्यापार के दलदल में धकेल देती थी। लेकिन ग्वालियर की एक लड़की इस रैकेट के झांसे में नहीं आई और उसने इस पूरे रैकेट की जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे गिरोह और इसके काम करने के तरीके का पर्दाफाश कर दिया। एक नैन्सी रूप नैना तिवारी और उसके तीन सहयोगी जो दलाली काम करते हैं, जिसमें से संजय यादव, लक्ष्मण पाल और बंटी कोहली रूप सोनू, ये चारों लोग उसको भला फुसला करके यहाँ ले आए थे और उसको आर्थिक कमजोरी का फायदा उठा करके और उसको ग्राहकों को सप्लाई करते थे। पुलिस अब इस गिरोह से पूछताछ कर ये जानने में जुटी है कि इनके तार कहाँ कहाँ और किन किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। और